हेलो दोस्तों, नौजवान साथियों, जय हिंद, जय भारत। जीनियस मिलिट्री एकेडमी हांसी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे डाउट, बहुत सारी नाराजगी, बहुत सारा प्यार, सभी को धन्यवाद, सभी को प्यार। दोस्तों, काफी बच्चों ने बोला कि सर AOC का पेपर लीक हो गया, रिजल्ट नहीं आएगा, दोबारा पेपर होगा। बहुत सारे चैनलों ने बहुत सारी वीडियो बनाई और बहुत सारे फोन भी आए कि सर आप वीडियो नहीं बनाते, आप AOC का एग्जाम के बाद में आपने वीडियो नहीं बनाई कि पेपर लीक हो गया, क्यों नहीं बनाई, क्या कारण था। उसके बहुत सारे कारण थे दोस्तों, और आज जो मैं आपको सारे खुल के कारण बताऊंगा, क्या क्या कारण थे, क्यों नहीं वीडियो बनाई और आज वीडियो बनाने का क्या कारण था। आप वीडियो को देखना ना देखना वो आपकी मर्जी है, अगर देखोगे तो लास्ट तक बताऊंगा। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, जिनका नहीं हुआ उनको भी धन्यवाद जो मेरी एकेडमी पे आए थे। और दोबारा तैयारी करोगे और बहुत सारी भर्ती आ रही हैं, मैं वीडियो बनाता रहता हूं और आपको पता है कि वीडियो बना के मैं डालता रहता हूँ कि कौन कौन सी अभी जो ASC बेंगलोर के अंदर हैं 266 पोस्ट, उसकी वीडियो बनाई मैंने आज। तो दोस्तों ऐसा है, देखो हर भर्ती में हर बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो सबका होगा। आज अभी जो मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि रिजल्ट आ गया सर, रिजल्ट कहाँ से निकालें, पहली बात ये, इस वीडियो का एक जो मकसद है रिजल्ट कहाँ से निकालें। दूसरा मकसद है कि मेडिकल प्रोसीजर क्या होगा, अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, नंबर दो ये होगा। नंबर तीन जो है कि सर पूरी लिस्ट आई या नहीं आई, पूरी लिस्ट आ चुकी है फायरमैन ट्रेडमैन की, इसके बाद कोई लिस्ट नहीं आएगी। अगर आप इस बात को सच्चाई मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो आपकी मर्जी है, हम आपको बहसबाजी नहीं करेंगे कि सर और भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं कि सर ये रिजल्ट फाइनल है या नहीं है, ये रिजल्ट फाइनल है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो का जो मेरा मोटो है, रिजल्ट कैसे चेक करें, उसके बाद आपका इसके बाद लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, मेडिकल कैसे होगा, अब क्या प्रोसीजर होगा आगे, तो इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के पास भेजना, वो आपकी मर्जी है, मैं नहीं बोलूँगा लाइक करना शेयर करना, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर कोई भी एकेडमी ने अगर कोर्स चलाए AOC का, अगर मेरे से ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं तो आप मेरे पास एक बार कॉल जरूर करना। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन मेरे पास अभी 35 प्लस बच्चों के फ़ोन आ चुके हैं जो ये कहते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो यानी हमने स्पेशल बैच चलाया था AOC का, और स्पेशल बैच का बेनिफिट ये हुआ था कि जब बच्चे एग्ज़ाम दे के आए थे तभी हमारे पास कॉल करने लग गए थे कि सर बहुत बढ़िया एग्ज़ाम हुआ है। अगली बात कि सर कट ऑफ कितने पे गई, तो दोस्तों आर्मी का कोई भी कट ऑफ अगर कोई बच्चा बता सकता है या कोई एकेडमी वाला बंदा बता सकता है कि ये कट ऑफ है, तो 1,00,000 रुपये इनाम दूंगा अगर कोई ये बता दे कि फाइनल कट ऑफ ये गई है। क्योंकि आर्मी की कोई भी भर्ती होती है, ये आर्मी की भर्ती थी, 58 साल की भर्ती थी, रेगुलर जॉब की भर्ती थी, इसके अंदर कभी भी कट ऑफ शो नहीं होती है। सिर्फ हम आपको जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो वीडियो ओरिजिनल जो बातें हैं उन्हीं पे वीडियो बनाएंगे। अब आपका सवाल ये रहता है कि सर आपने रिजल्ट के बाद में आपने एक भी वीडियो नहीं बनाई, सॉरी एग्जाम के बाद में एक भी वीडियो नहीं बनाई कि पेपर लीक हुआ। जब आप देख रहे हो सभी यूट्यूब चैनल बोल रहे पेपर आउट हुआ, पेपर आउट हुआ, पेपर आउट होने का मतलब ये होता है अगर आपका एग्जाम हुआ 10 बजे या 12 बजे या 1 बजे, उससे पहले अगर मार्केट में वो पेपर आ जाता है तो पेपर आउट माना जाता है और वो भर्ती कैंसिल हो जाती है। आपको पता पीछे आर्मी के 2 पेपर ऐसे हुए थे कोरोना काल में जो टाइम से पहले आउट हो गए थे और वो मार्केट में पहुंच गए थे, उनको कैंसिल कर दिया गया था आर्मी ने। अब बात करते हैं यूट्यूबर, यूट्यूबर हर जगह मिलेंगे, जो सॉरी ब्लूटूथ वाले जो बच्चे हैं वो 2-3 जगह पकड़े गए थे आगरा में और बीकानेर में, उन पर केस है, कार्रवाई करी आर्मी ने। तो आर्मी जो काम करती है वो फेर करती है। अब कोई भी ब्लूटूथ वाला बच्चा अंदर जाता है तो लाजमी ही बात है वो पेपर निकालता होगा,
और वो पकड़े भी जाते हैं, पकड़े जाते हैं उन पर कार्रवाई करती है, आर्मी हो चाहे कोई भी महकमा हो वो कार्रवाई करता है। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाना उचित नहीं समझा। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये भी मैं उचित नहीं मानता कि वीडियो मैं क्यों बनाऊँ, इससे क्या फ़ायदा होना है। आप मेरी वीडियो को देखोगे नहीं देखोगे, लेकिन मैं नहीं कह रहा आप मेरी वीडियो को देखो, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो बच्चे मेरे पास फ़ोन करेंगे रिजल्ट कहाँ चेक करें, रिजल्ट मैं बताऊँगा कहाँ चेक करना है, उसके बाद में मैं कट ऑफ नहीं बताऊँगा और ना कट ऑफ किसी को पता होता है, मेरे को भी नहीं पता है। और अभी बहुत सारी वीडियो कल आएंगी कट ऑफ के ऊपर, फाइनल रिजल्ट आ गया, इतने कट ऑफ गई, फायरमैन की इतनी गई, ये गई। हाँ एक बच्चा मेरी एकेडमी का जो 117 नंबर का पेपर करके आया था जो ओके था, यानी वो ये कह रहा था मेरे 117 नंबर बनेंगे, तो वो बच्चा कह रहा कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं मानता हूँ 117 15 110 के आसपास शायद कट ऑफ गई होगी। आइडिया लगाना पड़ता है बच्चों से, बात करके बच्चों से पूछ के कितने नंबर पेपर करके आया था तेरा सिलेक्शन हुआ, तो उससे हम आइडिया लगाते कि भी फायरमैन की इतने गई होगी। ट्रेडमैन के जो बच्चे फ़ोन करते हैं कि सर मैं 130 नंबर का करके आया था, या मैं 132 नंबर का करके आया था, या 125 नंबर का करके आया था, मेरा सिलेक्शन हो गया, तो हो सकता है हम आइडिया लगाएं कि 120 पे 122 पे 125 पे ट्रेडमैन की गई होगी। ये एक आइडिया है। वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर हैं जो वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उनने वीडियो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या आपका सिलेक्शन हो गया तो भी आप वीडियो देखोगे, नहीं हुआ तो भी आप वीडियो देखोगे। लेकिन दोस्तों हर आदमी को हर आदमी संतुष्ट नहीं कर सकता। जीनियस मिलिट्री एकेडमी पे 9 स्टेट के बच्चे थे और सबसे ज़्यादा बच्चे थे। स्पेशल एओसी का बैच चला था, 8 घंटे की क्लास देते थे, उसके बाद में हमने 10-12 टेस्ट भी लिए हैं बच्चों के, जो 150-150 के टेस्ट थे, 25-25 50-50 के टेस्ट थे, ओ मार्कशीट पे हमने प्रैक्टिस कराई है। शायद उसी का आज नतीजा ये है कि आज जो रिजल्ट आया है एओसी का, उसमें हमारे 35 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ एकेडमी के लिए, बहुत बड़ी कामयाबी मानता हूँ कि भाई इतने बच्चों का सिलेक्शन देना कोई आसान काम नहीं है। वैसे तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 100 बच्चों का होगा, 150 का होगा ये, लेकिन ये गलत है। और जो बच्चे हमारे पास आएंगे यहाँ पे एकेडमी पे, हम उनको फूलमाला पर आके उनका स्वागत भी करेंगे और उसकी वीडियो भी बनाएंगे, आप देख भी लेना। अभी चलते हैं, लंबा ना करते हुए वीडियो को अभी चलते हैं हम प्रोसीजर। तो प्रोसीजर ये देख रहे हो, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की जो साइड है ऑर्डिनेंस रिक्वायरमेंट .gov.in, इसके ऊपर आप रिजल्ट पे अगर आप उंगली मारोगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट में फायरमैन का यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ट्रेडमैन का यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये है सिंपल प्रोसीजर। आप अपने गूगल में जाओगे, गूगल में आपने ये साइट भरनी है, फिर उसके बाद में ये खुलेगा, तो खुलने के बाद में आपने रिजल्ट पे जाना है। रिजल्ट पे जाके आपने यहाँ देखोगे लिखा आएगा एग्जाम नेम डेट है, ठीक है, उसके बाद में फायरमैन और ट्रेडमैन का। अब यहाँ अगर मैं लाले ट्रेडमैन की बात करूँ तो ट्रेडमैन का अगर मैं देखता हूँ तो इस प्रकार से आपका खुल जाएगा, 1 से लेके 19 तक पेज हैं, ठीक है। और कई बच्चों के डाउट है कि सर पूरा रिजल्ट नहीं आया, पूरा रिजल्ट है भैया, आप पेज में नंबर फैला लेना कितने नंबर है और कितने पेज है, यानी एक पेज में कितने बच्चों का नाम है और कितने पेज है उनको गुणा कर देना, आपको पता लग जाएगा पूरा है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं मेडिकल की। मेडिकल का जो फंडा है, मेडिकल का फंडा क्या है, मेडिकल का जो फंडा है वो मेडिकल का फंडा क्या है कि आपके पास में मेल के ऊपर मैसेज आएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, फिर आपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ पे जो आपके पास मेल पे एक मेडिकल फॉर्म आएगा उस मेडिकल फॉर्म को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेके जाना है, और वहाँ पे आपने अपना मेडिकल जो जो मेडिकल उनने मांग रखा है वो मेडिकल सारा करवाना है। उसमें आपकी हाइट होगी या फिर आपका ब्लड हो गया या आपका वेट हो गया या आपका जो भी वो चीज़ मांगेंगे, आई की रिपोर्ट मांगेंगे, ईयर की रिपोर्ट मांगेंगे, जो भी रिपोर्ट मांगेंगे, यूरिन की रिपोर्ट मांगे, जो भी उसके अंदर फॉर्म के अंदर भरा होता है वो आपकी रिपोर्ट मांगेंगे, वो आपने वहाँ सिविल हॉस्पिटल
जो है सीनियर मेडिकल ऑफिसर उससे साइन करेगा और लैब वाला अपने साइन करेगा, उसके बाद में आपने वो भेजना है। कहाँ भेजना है? जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग आई है, जहाँ पे आपका सेंटर भी दे रखा है कि कहाँ पे आपका सेंटर होना है, ठीक है, कौन सी FOD के अंदर होना है या AFC के अंदर होना है, ये देख रहे हो आप, FAD, ABOD, ठीक है, ये अलग अलग दे रखा है जहाँ पे आपका सिलेक्शन होना है, जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होनी है, सॉरी सिलेक्शन हो चुका है, वहाँ पे आपने सबमिट करना है। हो सकता है वो आपको बाई पोस्ट भेजना पड़े या फिर आपको बाई हैंड जमा कराना पड़े, लेकिन ज़्यादातर होता क्या है कि बाई हैंड ही मंगाते हैं और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दोबारा वेरिफिकेशन हो गए। तो ये पूरा प्रोसीजर है भर्ती का। अभी जो बच्चे सिलेक्शन हो चुके हैं उन बच्चों के लिए ये बात है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेहनत करोगे, आपने अच्छी मेहनत करी यहाँ एकेडमी पे आके, दोबारा मेहनत में लग जाओ। और जो अभी आपको पता है 5 जुलाई से आपका जो ASC आर्मी सप्लाई कोर का जो रोल नंबर आ गए हैं, वो मैंने वीडियो बनाई आज दिन में, तो उसके अंदर आप फिजिकल या ट्रेड टेस्ट जो भी मांग रखे है वो दे के आओगे, फिर उसके बाद तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी इंसान, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, जब हम दूसरे के ऊपर उंगली ऐसे करते हैं कि तुमने मेरा ये कर दिया, तूने मेरा ये कर दिया, तूने मेरा ये कर दिया, वो इंसान सक्सेसफुल नहीं है। अपने आप को देखो कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं बार बार क्यों फेल हो रहा हूँ, मेरे अंदर कहाँ कमी है, तो उस कमी को दूर करिए दोस्तों। और कमी को दूर करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि जिंदगी में बढ़ने के लिए दूसरों में कमी निकालोगे, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। खुद में कमी जब देखोगे और उस कमी को दूर करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा कहीं ना कहीं, अगर आप रेगुलर मेहनत करो तो। दोस्तों आज की वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका मेडिकल प्रोसीजर मैंने बता दिया क्या होना है, सिंपल ही बात है, आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल होगा और आपका मेल ID पे जो फॉर्म आ जाएगा मेडिकल, वो आपने करवा के और बाई हैंड या बाई पोस्ट जो भी वो मांगते हैं वो लेके जाना है आपने, या बाई पोस्ट करना है, बाई मेल करना है, और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब एक सवाल ये भी आता है कि सर ज्वाइनिंग कब होगी? तो ज्वाइनिंग का मैं ये मानता हूँ इस महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, सभी बच्चों की इस महीने के अंदर तकरीबन ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप देख लेना, अगर नहीं लगे तो आपकी मर्जी है ना, मैं ये बोलूँगा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लेकिन ये उन पेरेंट्स और उन बच्चों के लिए वीडियो बनाई मैंने जो बच्चे ये कह रहे थे, जो पेरेंट्स ये कह रहे थे मेरे को काफ़ी फ़ोन करके आए कि सर एग्ज़ाम आउट हो गया है, पेपर आउट हो गया, आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे? भाई ऐसा है, दुनिया वीडियो बना रही थी यार, और दुनिया को पता भी नहीं है कि कैसे मेडिकल होना है, कैसे क्या होना है। जब आपका पेपर आउट हो गया, ब्लूटूथ वाले बंदे पकड़े गए, आर्मी ने कार्रवाई कर दी, तो उस पर क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है, जो पकड़े गए, जो चोरी कर रहा था वो पकड़े गए, ये फेर भर्ती है। अब ऐसे ब्लूटूथ वाले आपको हर भर्ती मिल जाएंगे, दो चार और पकड़े भी जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। जय हिंद, जय भारत।